श्री नरपत सिंह इंटर कॉलेज कई सालों से अव्यवस्थाओं का शिकार, जिम्मेदार मौन। हरदोई माधवगंज की शान श्री नरपत सिंह इंटर कॉलेज कई सालों से पड़ा अव्यवस्था का शिकार। आपको बताते चलें कि हरदोई माधवगंज श्री नरपत सिंह इंटर कॉलेज में बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। विद्यालय की बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है, शिक्षा कक्ष में दीमक लग चुका है। कॉलेज की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और अनहोनी हो सकती है। जब इस बारे में बच्चों से बात की गई तब बच्चों ने बताया कि पूर्व प्रधानाध्यापक विजय कुमार एक लापरवाह अध्यापक, वह अपने विषय में भी कभी नहीं पढ़ाते थे और प्रधानाध्यापक विजय कुमार ने एक वर्ष में सिर्फ 2 या 3 बार पढ़ाया होगा। बच्चों ने बताया कि वह गैर जिम्मेदार अध्यापक प्रधानाचार्य थे। इतना ही नहीं, 6 वर्ष तक विद्यालय में कभी खाना नहीं बना। इस मौके पर मौजूद प्रधानाचार्य विमलेश कुमार से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय को मिलने वाली सारी सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगा। प्रधानाचार्य विमलेश कुमार ने बताया कि जब से मैंने अपना पद संभाला है तब से शिक्षा, खाना, सफाई सारी व्यवस्थाओं को सही ढंग से करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानाचार्य विजय कुमार ने उन्हें अभी तक विद्यालय के कार्यालय का चार्ज नहीं दिया है। कार्यालय में उन्होंने ताला डाल रखा है जिससे विद्यालय के कार्यों में बाधा आ रही है। इस मौके पर प्रधानाचार्य विमलेश कुमार, अध्यापक आदेश प्रकाश शुक्ला, बलराम सिंह, चंद्रेश कुमार, जितेंद्र कुमार यादव, रविकांत तिवारी, सुनील कुमार श्रीवास्तव चपरासी, राम प्रकाश, विपिन कुमार विद्यार्थी, आलोक कुमार, लखनलाल, अमन पाल, अंकुर कुमार, उत्तम कुमार, रश्मि, शालिनी, अनुराधा, सत्या सहित सैकड़ों बच्चे मौके पर मौजूद रहे। हरदोई से आलोक कुमार की रिपोर्ट। जी गुरु जी, आपका क्या नाम है? ये कौन सा कॉलेज है? श्री नरपत सिंह इंटर कॉलेज। अच्छा, इसकी व्यवस्था मैंने देखी है अभी तो, स्कूल की व्यवस्था हमें बहुत ख़राब लगी है। बेंच वगैरह टूटी पड़ी हैं, कुर्सियां टूटी पड़ी हैं और ये प्लास्टर भी टूटा पड़ा है और कमरों में अंधेरा है, ये ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है कि पहले हमें 26 तारीख को चार्ज दिया गया और 26 तारीख से पहले हमारे यहाँ श्री विजय कुमार जी जो थे वो प्रधानाचार्य थे, तो पहले की व्यवस्था है और जब से हमको चार्ज दिया गया है तब से हमने काफ़ी कुछ कार्य जो है शुरू करवाए हैं और ये जो पहले की व्यवस्थाएँ हैं इनका हमसे तो नहीं कोई वास्ता है। वो पूर्व प्रधानाचार्य जी थे, पीरियड में कोई काम ही नहीं करवा सकते। अच्छा, आपने कब ज्वाइन करा है? हमने 26 तारीख को एज ए प्रधानाचार्य, वैसे तो यहाँ हम 90 से हैं लेकिन एज ए प्रधानाचार्य हमने 26 तारीख को ज्वाइन किया।